बिल्कुल बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। एंड गुड मॉर्निंग आल्सो, सुबह का समय है। वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आ रखी है उत्तराखंड में स्टाफ नर्स के पदों पर। एक अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, उम्र सीमा, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, निगेटिव मार्किंग, सब चीज़ें। शुरुआत से ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका जो ये विज्ञापन है 3 को आया था, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म 5 फरवरी से चालू हुए थे। 4 मार्च अंतिम तिथि है और 4 मार्च का इंतजार मत करिएगा, फरवरी खत्म होते होते अपने ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका जो लिखित परीक्षा है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि प्रवेश पत्र जो है ना 5 तारीख को जारी होंगे, 5 अप्रैल को, और लिखित परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को कंडक्ट कराई जाएगी। आपकी एक लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाने वाला है, ठीक है, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और ये जो वैकेंसी आई है, ये जो COVID-19 फैला है ना, उसकी देख रेख के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैलना है तो उसकी रोकथाम के लिए, वैश्विक महामारी जो COVID-19 है, इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी भरी जा रही है। देखिए, वैसे भी इसकी महामारी तो अब तो द एंड की तरफ बढ़ चुकी है, वैकेंसियाँ इन्होंने बड़ी देर बाद निकालती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब आई वैकेंसी तब आप इसमें जो है फॉर्म भरो। और शीघ्र भर्ती की तत्कालता को दृष्टि, मतलब कि ये भर्ती बहुत जल्द ही पूरी की जाएगी। आप देख रहे हैं कि 18 अप्रैल को आपका रिटर्न एग्जाम है, मतलब कि फरवरी में आपके, मार्च में आपके लास्ट डेट है और जो है ना अप्रैल में एग्जाम है, तो बहुत जल्द ही ये वैकेंसी पूरी होने की संभावना है। तो अगर आपको तुरंत नौकरी चाहिए तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब वेतनमान देखें तो ग्रेड पे आपका बड़ा अच्छा है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो अगर आप देखेंगे तो आपकी 40,000 से ज़्यादा ही सैलरी बनेगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ से होने वाली है। रिक्तियों की संख्या टोटल है 1238, ठीक, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बट देखिए, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें मिलेगा। रिजर्वेशन इन द केस, जैसे कि मान लीजिए आप SC हो, आप ST हो, आप OBC हो, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो उत्तराखंड के हो तभी आपको इसका छूट मिलेगा, वरना आप जनरल की तरह फॉर्म भरिए, जनरल की तरह फाइट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो टोटल वैकेंसी है 1238, इन वैकेंसियों में बच्चों 80% जो सीटें हैं वो स्टाफ नर्स महिलाओं के लिए, मतलब कि फिक्स हैं, और बाकी जो बची 20% सीटें हैं, तो 20% में पुरुष, मतलब कि लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आपको और चीज़ें बताते हैं। अब देखिए, जो आपकी स्टाफ नर्स महिला के लिए सामान्य के लिए, अब देखिए टोटल हैं 564, SC के लिए हैं 170, ST के लिए 31, OBC के लिए 119 और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 106 हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो है ना सीटें आवंटित की गई हैं। और देखिए, इसी में ये ओपन टोटल वाली है, और यहाँ से भूतपूर्व फौजियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, ये अलग अलग से, तो 990 सीटें टोटल जो है ना महिला स्टाफ नर्स के लिए हैं। अब जो 20% सीटें बची हैं 1238 का, जो कि हैं 248, ये हैं पुरुषों के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 140 सामान्य, इस तरह सीटों का बंटवारा कुछ किया गया है। और आगे देखते हैं, पद का स्वरूप अराजपत्रित, मतलब गेस्टेड नहीं है, नॉन गेस्टेड आपकी पोस्ट है। अब देखिए, शैक्षिक योग्यता के बारे में आपका देख लेते हैं कि भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स, या भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो BSc नर्सिंग से आपके पास में डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से BSc ऑनर्स या BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, तो आपका जो पंजीकरण है वो उत्तराखंड की नर्सिंग काउंसिल या भारतीय नर्सिंग काउंसिल से होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, आपका हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, कार्य साधक का मतलब जनरल नॉर्मल, कोई हिंदी में कुछ पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सको, उसे गाइड कर सको, ठीक है। तो इसकी 3 रिक्वायरमेंट हुई। पहली कौन सी रिक्वायरमेंट है, कि आप जो है ना BSc नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए, नर्सिंग है या ऑनर्स हो या किसी तरह के BSc नर्सिंग की 3 साल का आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका उत्तराखंड या इंडियन जो है ना भारतीय नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका हिंदी आना जरूरी है, ठीक है। तो हिंदी आपको जो है ना बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब देखें, अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता बच्चों वो अर्हता होती है
जो आपके पास है तो ठीक है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि आपके रिटन एग्जाम में 20 नंबर आपके आए, एक बच्चे के और 20 नंबर आए, किसी और के भी 20 नंबर आए, लेकिन एक बच्चे ने जो है एनसीसी ले रखी थी, उसके पास बी का सर्टिफिकेट था, तो अब क्या होगा कि वो बच्चा ले लिया जाएगा जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट, बाकी लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। मान लो 20 नंबर वाले ही लेने थे, फाइनल कट ऑफ गया, तो उस जगह आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर आपने प्रादेशिक सेना में काम किया या एनसीसी का बी अथवा सी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अधिमानी अर्हता वो अर्हता होती है कि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अधिमानी है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपने काम नहीं किया है प्रादेशिक सेना में या एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप जब अपना फॉर्म भरिएगा तब जरूर बताइएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब देखेंगे थोड़ा सा लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा आपकी 200 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब एक प्रश्न होगा, चार ऑप्शन होंगे, कोई एक सही होगा, ठीक है। अब जिसमें से दो प्रश्न पत्र रहेंगे आपके, दोनों प्रश्न पत्र जो है एक ही बुकलेट होगी, परीक्षा एक ही पाली में होगी, परीक्षा समय 3 घंटे का निर्धारित किया गया है, और गलत करोगे तो 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो दो प्रश्न पत्र थे उसमें आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। सभी प्रश्न नर्सिंग पाठ्यक्रम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा स्तर के होंगे, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में इंटरमीडिएट स्तर के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो देखिए, जो आपका प्रथम प्रश्न बच्चों है वो आपकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है आपके पास में वो जनरल चीज़ें होंगी। जो दूसरा है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी दूसरे प्रश्न पत्र में, सामान्य हिंदी व्याकरण 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, जिसमें सामान्य अध्ययन में जो 40 आएंगे उसमें इतिहास के 5 होंगे, भूगोल के 5 होंगे, सामान्य विज्ञान कंप्यूटर के 5 होंगे, अर्थशास्त्र के 5 होंगे, नागरिक शास्त्र के 5 होंगे, पर्यावरण प्रदूषण के 3 होंगे, खेलकूद से 3 एवं पुरस्कार के 3 होंगे, दिन एवं दिनांक से 3 होंगे, और देश प्रदेशों की राजधानी से 3 प्रश्न होंगे। तो ये हमने बात कर ली आपके जो दूसरा पेपर था, दूसरे पेपर में क्या क्या होगा, और पहले पेपर में मैंने आपको बता दिया सिर्फ बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और द्वितीय पेपर में आपको इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और ये सारी चीज़ें जानकारियाँ आप इनकी वेबसाइट www.ubter.in पर जाकर चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, और आंसर की वगैरह सब इसी वेबसाइट पर, रिजल्ट वगैरह सब इसी वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, लिखित परीक्षा में आपको एक मिनिमम कट ऑफ दिया गया है 45% नंबर लेके आने, और रिजर्व कैटेगरी को 35% नंबर लेके आने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कम से कम आप 45% या उससे ज़्यादा नंबर लेके आओ, तभी आपका भला हो पाएगा। आयु की गणना देखिए, आयु आपकी कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, कुछ लोगों को छूट मिल जाएगी, जैसे कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, एससी एसटी हो तो एससी एसटी तो 5 साल की छूट, ओबीसी तो 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड तो आपको 10 साल की छूट, इस तरह आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ थी, हमने इसके बारे में देख ली। और देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है, तिब्बत का शरणार्थी भी भर सकता है, ठीक है, या कहीं और से आए, अफ्रीकी देशों केन्या युगांडा वगैरह से आए हो और जाके उत्तराखंड में आके बस गए हो, स्थानीय निवासी हो गए हो, तो भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति मतलब शादी आपने एक से ही की हो, ऐसा नहीं दो दो तीन तीन शादियाँ कर रखे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के लिए बताई दिया, आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चा बच्चा जानता है कि आप किस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरें, ठीक है। फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस है, जनरल ओबीसी की 800 है, एससी एसटी विकलांग वाले बच्चों के लिए 400 फीस है। तो इस तरह फॉर्म फीस में थोड़ी सी छूट दी गई है। परीक्षा केंद्र आपके जो देख सकते हैं, देहरादून और हल्द्वानी। देहरादून तो काफ़ी जाना माना शहर है, राजधानी है, ठीक है, और हल्द्वानी में आपका दो, इन दोनों जगहों पर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस तरह हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ बांटी हैं। कुछ और अगर जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि आपको करियर गाइडेंस चाहिए होता है कि आप फ्यूचर में करियर किस तरह, जैसे कक्षा 10 के बाद करियर आप किस तरह बनाएं, आपने बीएससी करी है तो बीएससी के बाद करियर आगे किस तरह बढ़ेगा, आपने बीएड किया है तो उसमें आगे फ्यूचर करियर कैसा रहेगा, टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें करियर किस तरह का रहेगा, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो किस तरह का करियर रहेगा,
ठीक है, आपने होम साइंस ले रखी है तो होम साइंस में बीएससी करेंगे तो फ्यूचर आपका किस तरह का रहेगा, कहाँ कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारी वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com के जो फ्रंट पेज जैसे आप खोलेंगे वहाँ आप बीच में देखेगा रीड मोर्स कैरियर्स के अबाउट में, तो वहाँ पर आपको इन सब कैरियर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कई सारे भिन्न भिन्न कैरियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।